दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जीटो के जेटीओ कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, एंट्री लेवल्स, अपडेटेड लेवल्स और आने वाले दिनों में इस कॉइन के टारगेट्स क्या रहेंगे। करेंटली कॉइन 2.09 यूएसडी पर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली इस कॉइन में एक अच्छा मोमेंट देखने को मिला था, उस लेवल से ऑलमोस्ट 25% तक का ड्रॉप इसके प्राइस में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर हमने रिसेंटली अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट किया और हमने आपको जो एंट्री लेवल्स बताए थे उस लेवल्स के अराउंड ही ये कॉइन ट्रेड कर रहा है, जहाँ पर बहुत सारी क्वेरीज इस कॉइन से रिलेटेड आ रही थी। तो बात करें कौन से बेस्ट एंट्री पॉइंट्स रहेंगे और आने वाले दिनों में इस कॉइन के टारगेट्स क्या रहेंगे। एज अ ट्रेडर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप किन एरियाज पर नजरें बना रख सकते हैं, ओवरऑल सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं, जिनको ज्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है, ताकि वहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जा सके। क्रिप्टो क्वेरीज, अपडेटेड लेवल, सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, वो इंस्टा पर डीएम करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर क्रिप्टो से रिलेटेड क्विक अपडेट और न्यूज शेयर की जाती है। 2.09 यूएसडी पर ट्रेड कर रहा है, 2.03 यूएसडी वाला लेवल है अभी इसको हमने ट्राई किया। बात करें बीटीसी की, तो बीटीसी की फ्लक्चुएशन की वजह से ही अर्थ में बड़ा ड्रॉप देखने को मिल रहा है और कल से अभी तक बीटीसी में भी 3-4% का ड्रॉप देखने को मिला। यहाँ पर बीटीसी कल 42,500-800 का राउंड ट्रेड कर रहा था, अभी बीटीसी ने 41,000 से नीचे वाला लो बनाया है और 41,000 का राउंड में अभी बीटीसी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर अच्छा खासा प्रेशर मार्केट के अंदर है, अर्ल्ट्स में अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर सभी अर्ल्ट्स जो है वो 5-7%, 10% तक टूटे हुए हैं। इस कॉइन ने अभी रिसेंटली अच्छा खासा मूव लिया था, जहाँ पर 2.77 वाला लेवल ट्राई किया, से पहले 2.78 वाला लेवल ट्राई किया था, तो यहाँ से बड़ा रिजेक्शन फेस करने को मिला है। उस लेवल से 20-25% तक का ड्रॉप इसके प्राइस में देखने को मिला और अभी 2.03 वाला लो बनाया है। हमने आपको जो प्रीवियसली एंट्री पॉइंट शेयर किए थे जनवरी के स्टार्टिंग में, वहाँ से हमने बाय करके इस कॉइन में क्विक प्रॉफिट जनरेट किया, शॉर्ट टर्म में हमने प्रॉफिट जनरेट किया और अभी भी आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट होगा। हमने आपको जो टारगेट्स बताए थे 12th ऑफ जनवरी को, जो लेवल्स बताए थे, जहाँ पर 2.2-2.4 के क्विक टारगेट बताए थे, शॉर्ट टर्म में 2.6 से लेके 2.8 का टारगेट बताया था, उन सभी टारगेट्स को इस कॉइन ने एज इट इज हिट किया है और हमने एंट्री भी आपको 1.6-1.5 के अराउंड में इन लेवल्स पर शेयर की थी, 6th ऑफ जनवरी, 4th ऑफ जनवरी, 8th ऑफ जनवरी, इन टाइम फ्रेम में मैंने आपको एंट्री शेयर की थी और बहुत अच्छा हमने प्रॉफिट जनरेट किया। जिन्होंने भी हमारे वीडियोस देख के प्रॉफिट जनरेट किया, कहीं ना कहीं किसी भी टाइप से आपके लिए हेल्पफुल रहे हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहता है। दूसरा, मैंने रिसेंटली 16 को इस कॉइन में लेवल शेयर किए थे, मैंने बताया था 2.34 पर ये कॉइन ट्रेड कर रहा था 16 को, जहां पर इस लेवल को हिट करने के बाद, ये वाला जो लेवल है 2.78, इसको हिट करने के बाद यहां ये ट्रेड कर रहा था। मैंने बताया था कि यहां से इस कॉइन में ड्रॉप होने के चांसेस है, जहां पर ऊपर की तरफ ये कॉइन 2.7-2.8 को वापस ट्राई कर सकता है, लेकिन 2.8 यूएसडी वाला जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और उस लेवल से इस कॉइन को रिजेक्शन फेस करने को मिलता है तो ये कॉइन 2.1 या 2 यूएसडी तक इजीली ट्राई कर लेगा। और साथ के साथ में अगर बीटीसी में फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है, बीटीसी भी क्योंकि अभी मार्केट में प्रेशर है, बिटकॉइन ईटीएफ जब से अप्रूव हुआ है, जहां हम सभी सोच रहे थे कि बिटकॉइन और अल्ट्स कॉइन अच्छा खासा मूव करेंगे, बिटकॉइन अच्छा परफॉर्म करेगा, वहीं रिवर्सल देखने को मिल रहा है और बिटकॉइन की प्राइस लगातार ड्रॉप कर रही है। तो वो फ्लक्चुएशन उस प्रेशर की वजह से मैंने आपको बताया था कि जल्दीबाजी नहीं करनी है और कम से कम 2.2 यूएसडी से नीचे आने का वेट करना है। थोड़ा सा आप वेट करेंगे, 2-4 दिन प्राइस आ जाएगी, बस आपको पैसेंस फॉलो करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। और दूसरी चीज़, मैं इंस्टाग्राम पर और यहाँ पर यूट्यूब पर शॉर्ट्स के थ्रू, शॉर्ट्स और रील्स के थ्रू आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज डे बाय डे शेयर कर रहा हूँ। आई होप वो वीडियोज भी आप देख रहे होंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिलेगी। अभी अगर इस कॉइन में डेली के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो 2.15-2.2 यूएसडी अराउंड में इस कॉइन की डेली क्लोजिंग हुई है, जहां पर 2.3 यूएसडी वाला जो लेवल इस कॉइन ने सपोर्ट बना लिया था उसको वापस इस कॉइन ने ब्रेक कर दिया, क्योंकि अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो अभी 2.3 इस कॉइन को रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा डेली के अंदर और 1.9 इस कॉइन को डेली में सपोर्ट एरिया, जहां तक ये टेस्ट
कर सकता है BTC, क्योंकि अभी तो दिन का टाइम है, अभी तो US मार्केट ओपन नहीं हुआ, लेकिन जहां US मार्केट वापस जब ओपन होता है शाम के टाइम में तो फिर प्रेशर देखने को मिलता है, फिर BTC फ्लक्चुएट करता है। और BTC का एग्जैक्टली डायरेक्शन भी कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा, क्योंकि BTC यहां जैसे US मार्केट ओपन होता फिर डंप देख करता है, और अभी 40,000 41,000 तो एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है BTC के लिए, लेकिन अगर उसको ब्रेक कर देगा तो फिर हमारे लिए क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। और इस कॉइन में मैंने आपको 16 को लेवल शेयर किए थे, जहां पर 2.15 और 1.95, ये दो लेवल्स की बाइंग बताई थी कि भाई वहां आपके लिए सेफ एंट्री रहेगी अगर नॉर्मल BTC में फ्लक्चुएशन होती है। और अभी अगर आप देखें तो 2.15 से नीचे एक कॉइन ट्रेड कर रहा है, आपने बाई किया होगा। 1.95 सेकेंड लेवल है जहां पर 30% पार्ट की एंट्री बताई थी, जिन जिन लोगों ने इस लेवल का वेट किया, जल्दीबाजी नहीं की, उनको इस लेवल पर एंट्री मिली होगी वो कमेंट करके बताएं। और अभी 2.15 से नीचे ट्रेड कर रहा है, चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है 2 USD से नीचे चला जाएगा और 1.9 तक भी टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ से जो सेकेंड लेवल की आपकी जो बाइंग है वो आपको 1.9 की लगा देनी है। और अगर आपको कहीं ये भी लगता है कि नहीं हमें तो पूरी की पूरी एंट्री जो है वो 2 USD से नीचे ही लेनी है, तो आप जो 2.15 पर बाई किया है अभी ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करके 2.15 तक ट्राई कर लेगा, दिन के टाइम में एग्जिट हो जाना है और 2 USD से नीचे की बाइंग लगानी, क्योंकि ये 2.15 और 1.95 की जो लेवल्स मैंने बताए थे ये पर्टिकुलर इस कॉइन के एनालिसिस और मार्केट में थोड़े प्रेशर के बेसिस पे बताए थे कि वहाँ तक प्राइस इजीली चली जाएगी, लेकिन अभी की कंडीशन में देखिए तो बिटकॉइन के अंदर ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन जो 41,000 पर यहाँ आया है, यहाँ पर थोड़ा सा फियर का माहौल क्रिएट हो रहा है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो चांसेस रहेंगे कि ये कॉइन 1.9 तक भी टेस्ट कर सकता है। तो इसलिए आप चाहें तो फर्स्ट एंट्री 2 USD की और सेकंड लेवल की एंट्री 1.8 की लगा सकते हैं। मैंने आपको ये बताया भी था, इससे रिलेटेड अवेयर भी किया था 16 को कि ये कॉइन इजीली 2 USD के राउंड तक चला जाएगा, आप ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत रिस्क मैनेज कर सकते हैं, तो 2.15 और 1.95 की एंट्री लेनी है। और अभी जो फ्रेश एंट्री देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक का वेट किया, थोड़ा वेट करेंगे, हम तो 2.2 से नीचे जब जाएगी और जब कंफर्मेशन होगा, जब मेरी तरफ से सेकंड वीडियो आएगा तभी बाय करेंगे। तो देखिए यहाँ अभी आपके लिए जो एंट्री है वो मैंने 2 USD और 1.8 की रहेगी, ये लगभग सेफ है, मतलब बिटकॉइन यहाँ से 40,000 या उसके अराउंड तक भी ट्राई करता है तो भी हम लगभग एक अच्छे खासे लेवल पर रहेंगे। और देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हमारा फोकस ऐसे लेवल्स पर रहता है जहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी मेंटेन, देखिए मार्केट अगर 10% 5% टूटता है तो थोड़ा बहुत लॉस आपको मैनेज करना पड़ता है, और इससे घबराना बिल्कुल नहीं है। हमारी तरफ से रेगुलर बेसिस पर आपके लिए वीडियो शेयर किए जाते हैं। देखिए आपकी 2.15 की अगर बाइंग है तो आपको कोई बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है कि पूरा पहाड़ टूट गया है, 2.1 पर ये ट्रेड कर रहा है, सिर्फ 2% का लॉस है। अगर आपने 100 USD भी लगाए हैं तो आपको 2 USD का लॉस है, आपने 1000 USD लगाए तो 20 USD का लॉस है, तो ये कोई लॉस नहीं होता है। और अभी आप एग्जिट करना चाहें भाई 2.15 पर दिन के टाइम तक प्राइस आ जाएगी, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, और हम बैठे हुए हैं यहाँ पर आपके लिए गाइड करने के लिए सारी चीज़ों के लिए, और हमारा फोकस यही रहता है कि आपको मिनिमम लॉस हो मार्केट। देखिए रिस्क तो हमेशा रहती मार्केट के अंदर, और बिटकॉइन के फॉर्म में ही सभी कॉइन्स मूव करते हैं। बिटकॉइन अगर डंप करता है, करेक्शन लेता है, और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ से अगर BTC बाउंस बैक कर जाता है, BTC यहाँ से नीचे वाले लेवल से, अब ये जो लोवेस्ट एरिया है, इस लोवेस्ट एरिया के बाद BTC बाउंस, क्योंकि यह जो लेवल है 40,000 वाला लेवल, ये बाउंस बैक लेवल भी है BTC के लिए। ऐसा कंपलसरी नहीं कि बिटकॉइन 40,000 से नीचे टेस्ट करेगा ही, 40,000 से ऊपर अभी यहाँ से बाउंस बैक करके 43,000-44,000 को भी ट्राई कर सकता है, तो जिसमें ये कॉइन JTO कॉइन वापस मूव करके अपने प्रीवियस लेवल्स को ट्राई करेगा, तो आपकी जो एंट्री यहाँ रहेगी। उसके बाद क्विक टारगेट्स की बात करें तो 2.5 USD फर्स्ट टारगेट रहेगा, 2.75 सेकंड टारगेट रहेगा, इन लेवल्स पर आपको सेल करना है, ये टारगेट्स रहेंगे। शॉर्ट टर्म में आप 3 USD तक का टारगेट रख सकते हैं। इसके अलावा जो भी नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में ज़रूर इनरोल करें, वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जाएगी, क्रिप्टो क्वेरीज अपडेटेड, लेवल सिग्नल शेयर की जाएंगे, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं,
चाहते हो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर क्रिप्टो से रिलेटेड क्विक अपडेट न्यूज शेयर की जाती है, उसे भी ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।